नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी कन्या राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि का मासिक राशिफल जुलाई 2023 को लेकर के। जुलाई के महीने में कन्या राशि के जातकों के लिए क्या विशेष ग्रह गोचर स्थिति बनी है, नवग्रहों की जो स्थिति है कितनी लाभप्रद आपके लिए रहेगी, या क्या क्या सावधानियां आपको बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कारोबार व्यवसाय नौकरी के क्षेत्र में कितनी प्रोग्रेस आपकी होने वाली है, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से क्या सौगात लेकर के जुलाई का महीना आ रहा है, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ रहेंगी, इन तमाम बातों की चर्चा इस राशि फल के अंतर्गत हम करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो इस कार्यक्रम को ध्यान से जरूर सुनिएगा, निश्चित ही आपके लिए लाभप्रद कार्यक्रम रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों राशि फल के कार्यक्रम को। मैं शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं, ये राशि फल आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसको अपनी जन्म राशि चंद्र राशि के अनुसार देखें, या आपके नाम राशि कन्या राशि है तो भी आप इस राशि फल को देख सकते हैं, सूर्य कुंडली लग्न राशि से इस राशि फल को न देखें। सबसे पहले हम एक दृष्टि डालते हैं कन्या राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। नवग्रहों की स्थिति जुलाई के महीने में कन्या राशि के जातकों के लिए कैसी बन रही है, तो कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह हैं बुधदेव हैं, बुध और सूर्य दसवें भाव कर्म भाव में स्थित है, मिथुन राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। कर्क राशि में शुक्रदेव लाभ भावगत स्थित हैं, ग्यारहवें भाव में मंगलदेव, बारहवें भाव में सिंह राशि में स्थित हैं। केतु तुला राशि के अंतर्गत दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, कुंभ राशिगत शनिदेव छठे भाव में संचरण कर रहे हैं, राहु और देवगुरु बृहस्पति ये अष्टम भाव में आपके लिए विराजमान है, गुरु चांडाल दोष बना करके, और चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। एक स्थिति तो कुछ इस तरह की कन्या राशि के जातकों के लिए बन रही है। इसी ग्रह गोचर स्थिति के बीच तीन ग्रहों का परिवर्तन भी होगा, और जिस भाव में इनका परिवर्तन होगा तो यहाँ का भी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से परिवर्तन है, सबसे पहला परिवर्तन शुक्रदेव का होगा, 7 जुलाई को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्रदेव कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 12वें भाव में जाकर के स्थित होंगे। 8 तारीख को बुधदेव का राशि परिवर्तन, आपके राशि स्वामी मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, लाभ भाव में आकर के स्थित होंगे। 17 तारीख को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव भी मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, लाभ भावगत स्थित होंगे। और 25 तारीख को पुनः बुधदेव का राशि परिवर्तन होगा, बुधदेव कर्क राशि को छोड़कर के भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 12वें भाव में आकर के स्थित हो जाएंगे। वहीं बात चंद्रमा की करें तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा मात्र 2 से 2.25 दिन तक ही एक राशि में संचरण करते हैं, उसके उपरांत अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं, यानी 2 से 2.25 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, शुभ भाव में संचरण करते हैं, तो निश्चित ही लाभ देने का कार्य करते हैं, अच्छी सफलता प्रदान कराते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ स्थित हो जाए, 6, 8, 12 भाव में स्थित हो जाए, पापी ग्रहों के साथ युति बना ले, तो कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की नकारात्मक स्थितियां पैदा करने का काम करते हैं, और फल स्वरूप एक महीने में 6 से 8 दिन हम सब के जीवन में ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, कामकाज का तनाव हो, पारिवारिक माहौल में अशांति हो, धन से संबंधित दिक्कतें हो, या तो आपके कार्य क्षेत्र में हो या पारिवारिक क्षेत्र में कलह क्लेश झगड़े का वातावरण आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से ऐसी तारीखें कन्या राशि के जातकों के लिए बन रही है, इन पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बताएंगे शुभ तारीखें। तो जुलाई के महीने में कन्या राशि के जातकों के लिए 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23 और 24 जुलाई शुभ तारीखें रहेंगी, इन तारीखों में आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। वहीं 1, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 25, 26, 27 और 28 जुलाई को आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही कन्या राशि के जातकों की संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य के। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कन्या राशि के जातकों को संपूर्ण जुलाई के माह में सतर्कता सावधानी बरतनी है। आपके लिए राहु गुरु 8वें भाव में स्थित है, शनिदेव वक्र गति से संचरण कर रहे हैं, कुंभ राशि में स्थित है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सतर्कता सावधानी बरतनी है। पेट से संबंधित विकार, लीवर से संबंधित विकार आपको देखने को मिल सकते हैं, अपच, एसिडिटी, वायरल फीवर इत्यादि देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में जितना संभव हो उतना बचाव करने की आवश्यकता आपको जरूर पड़ने वाली है जुलाई के माह में। कन्या राशि के जातक हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, नशा इत्यादि करने से आपको जरूर बचना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना, भगवान शिव की आराधना करना, राहु की प्रसन्नता के लिए
राहु ग्रह से संबंधित दान करना आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो प्रिय दर्शकों, कर्म भाव दसवें भाव के स्वामी आपके लिए बुधदेव बनते हैं। बुधदेव पहले सप्ताह यहां पर स्थित रहेंगे, उसके बाद दो सप्ताह तक सूर्यदेव यहां पर स्थित रहेंगे और अंतिम दो सप्ताहों में यहां पर कोई भी ग्रह स्थित नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र में मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, बुध से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए, सूर्य से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, निश्चित ही प्रथम दो सप्ताह विशेष लाभ देने का कार्य करेंगे, विशेष लाभप्रद आपके लिए रहेंगे और अंतिम दो सप्ताहों में आपको सतर्कता सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। नौकरी के क्षेत्र में जो आपके सीनियर्स हैं उनसे वाद विवाद करने से आपको जरूर बचना चाहिए। अचानक से यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं तो किसी भी प्रकार से काम से पीछा छुड़ाने का प्रयास करने से आपको जरूर बचना चाहिए। आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव रखेंगे तो निश्चित ही लाभप्रद रहेगा, लेकिन जो पहले दो सप्ताह हैं उनमें विशेष लाभप्रद स्थितियां बन रही हैं, विशेषकर उन जातकों के लिए जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वाणिज्य के क्षेत्र में हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं, सूर्य से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आप सरकारी नौकरी के लिए अग्रसर हैं या आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं या किसी कॉम्पिटिशन इत्यादि एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं, निश्चित ही ये पहले दो सप्ताह आपके लिए विशेष सफलता लेकर के आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी आपके लिए चंद्रमा बनते हैं। यहां पर शुक्रदेव स्थित है, शुक्रदेव का मूवमेंट रहेगा 7 जुलाई तक, उसके उपरांत यहां पर बुधदेव और सूर्यदेव का संचरण भी रहेगा तो निश्चित ही आर्थिक स्थिति के मामले में कन्या राशि के जातक जुलाई के महीने में भाग्यशाली रहने वाले हैं। हालांकि खर्च भी आपके अच्छे खासे बढ़ेंगे लेकिन इनकम की स्थिति, आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं आपको मजबूत दिखाई देगी। पारिवारिक सहयोग आपको देखने को मिल सकता है, पिता की ओर से विशेष सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति के मामले में आपके लिए लगभग जुलाई का माह अच्छा साबित होने वाला है, जुलाई का महीना आपके लिए विशेष लाभप्रद हो यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित यदि आप व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर हैं, ऑफिशियल नंबर हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।